Hello, dear children. How are you? I hope you will be fine at home. Stay safe, stay healthy, Vita. Now, today I am going to explain you in your class third in English, chapter one. एवरी डे थिंग्स फॉर क्लास थ्री स्टूडेंट इज यू आर टू नाउ चिल्ड्रेन वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एवरी डे इन अवर डेली लाइफ जस्ट लाइक वी बार डेली कॉम बार हीयर गो टू स्कूल कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम तो इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपनी डेली लाइफ में तो ऐसे ही एक पोइट हैं जिन्होंने हमारी एक इंटरेस्टिंग पोम बनाई है एवरीडे थिंग्स फॉर क्लास थ्री स्टूडेंट जिनको आज हम स्टार्ट करेंगे ओके okay. किस तरीके से अभी हम लास्ट गो थ्रू विद द चैप्टर एवरीडे थिंग्स दिट इवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल कान डू विदाउट दिस बिकॉज अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बेटा हमको एवरी डे थिंग्स नेसेसरी है ओके इन इन चीज़ों के बिना हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते हैं इन आवर डेली लाइफ तो देन ले स्टार्ट टू द पोम दिस बिफोर यू रीड द पोम वी कैन गो थ्रू विद द पोइट हु हैज द poem that is everyday things. Now before you read the poem, we can go through with the. We can go through with the poet. Okay. So then let's start to the poet that is Gina here. जी नैय्यर मींस बेटा जो हमारे पोइट है वॉज बोर्न इन वेस्ट वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहाँ से हैं वो जी नैयर जी नैय्यर बिलोंग टू यू एस ए दैट इज अमेरिका जिन्होंने हमारी ये पोम बनाई है ओके शी इज अ फैशन इंस्टोलेटर फॉर लॉर्ड एंड ट्रेलर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सुपर इन अमेरिका हैव बीन पब्लिश्ड इन द पॉपुलर मैगजीन्स जो हमारी जी, जी नये हैं उनके पॉपुलर मैगजीन्स कौन सी एस्क्वायर एंड द न्यूयॉर्कर हर फेमस वर्क टेल्स एंड टेल्स ऑफ चिन का पेन क्रिक इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी अबाउट रूरल लाइफ इन वर्जीनिया ओके तो उन्होंने जो अपनी टेल्स बनाई हैं उनको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है अपनी स्टोरीज में ओके छोटी छोटी जो पोम्स होती हैं, टेल्स उसमें नाउ एवरीडे थिंग्स मीन्स क्या होता है बेटा एवरीडे थिंग्स इज अ जेंटल रिमाइंडर ऑफ थिंग्स वी यू डेली लाइफ क्या होता है जेंटल रिमाइंड होता है रिमाइंडर कैसा होता है अगर नेक्स्ट डे हमें स्कूल जाना है तो हम स्कूल उसी टाइम पे उठेंगे उसी टाइम पे अपना वर्क करेंगे बात लेंगे ब्रश करेंगे और स्कूल के लिए यूनिफॉर्म पहनेंगे तो हो गया ना हमारा जेंटल रिमाइंडर ऑफ थिंग्स दैट वी यूज डेली लाइफ वी फॉरगेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सच थिंग इन आवर डेली लाइफ तो कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जो हमारे लिए कंपलसरी नहीं होती है करनी तो उनको हम फॉरगेट मीन्स अवॉइड भी कर सकते हैं ओके हु आर इन दैट नो मैटर हु आर इन वर्ल्ड वी नीड टअ एवरी डे थिंग्स दैट वी आर नो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर जिन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है उनको एक हम स्पेशल रिमाइंडर दे के उसको नेक्स्ट डे में चेंज भी कर सकते हैं ओके आई होप यू विल बी क्लियर ऑल डाउट्स अबाउट योर कॉन्सेप्ट दैट इज एवरीडे थिंग्स नाउ योम इज मिलेनियस प्रेजिडेंट्स ईवन किंग्स कान गेट अलोंग विद आउट एवरीडे थिंग्स मिलेनियल्स या फिर प्रेसिडेंट, इवन किंग भी अपना एवरीडे थिंग्स के बिना अपना वर्क नहीं कर सकते हैं चाहे वो मिलेनियल्स हैं या प्रेसिडेंट है इवन किंग भी हैं तो वो अपना काम डेली प्रोसेस में ज़रूर करते हैं विदाउट वर्क उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होती है वर यू प्रेसिडेंट किंग और मलेनियल यू डिड यूज अ कॉम टू कॉम योर कॉम योर हेयर चाहे प्रेजिडेंट हैं किंग्स हैं या मिलेनियर हैं अगर उनके अपने हेयर उनको कॉम करने हैं तो उनको क्या जरूरत पड़ेगी डैट दे यूज़ अ कॉम किस लिए फॉर कॉम्र हेयर इफ़ यू विश टू बी क्लीन एंड यू वुड आई होप यू डि टेक अ बाथ विप एंड वॉटर अगर उनकी डिजायर uh, है अगर उनकी इच्छा है अपने आप को क्लीन रखने की तो आई होप कि उनको बात लेना पड़ेगा बात मीन्स नहाना पड़ेगा विद वाटर एंड सोप से एंड यू हैव टू ईट यदि उनको खाने की फीलिंग लगेगी इफ यू वॉन्टेड टू ईट तो वो क्या खाएंगे ब्रेड एंड वेजिटेबल्स फिश एंड मीट ओके वाइल योर ड्रिंक फॉर ब्रेकफास्ट वुड प्लॉबली मिल्क मिल्क और चॉकलेट कॉफ़ी और टी अगर उनको कुछ पीने का मन करेगा कुछ पीने के लिए अच्छा फीलिंग होगा तो ब्रेकफास्ट में वो क्या ले सकते हैं मिल्क और चॉकलेट कॉफ़ी और टी इफ़ यू डिड है अगर उनको कुछ कपड़े पहनने हैं क्योंकि बेटा जो खाना है पीना है या फिर कपड़े है बाथ लेना है कुछ चीज़ें हमारी डेली रूटीन्स में ऐसे हो जाती हैं कि उसको फुलफिल करना हमारे लिए कंपल्सरी हो जाता है ओके और जब चीजें कंपल्सरी हो जाती है डेली लाइफ में तो उसके लिए हमको एवरी डे थिंग्स रिक्वायरमेंट ही है ओके तो आगे नेक्स्ट एंजा में क्या कह रहा है पॉइंट पॉइंट हमको बता रही है यू डिड हैव टू वियर अगर तुम्हें कुछ पहनना है तो तुम हार्डली मना भी नहीं कर सकते हो यू कुड हार्डली रिफ्यूज अंडर क्लोज आउटर क्लोज स्टॉकिंग एंड शूज स्टॉकिंग पहन सकते हो आउटर क्लोज पहन सकते हो शूज भी पहनने पड़ेंगे ओके इफ़ यू विश विश टू मेक अ रिमाइंडर नोट अगर आपको कोई रिमाइंडर नोट लिखना है तो उसके लिए आपको अपनी पेंसिल आपके कोट में रहनी चाहिए ताकि कोट से आप फटाफट पेंसिल निकालो और वो आप रिमाइंडर दे दीजिए लिख दीजिए ओके दैट इज ऑल्सो अ रिट इन नोट एंड टेक अ पेंसिल आउट ऑफ योर कोट एंड कुड नॉट साइन अ लेटर आई थिंक क्योंकि आज जब और आगे स्टेंजा में पॉइंट हमसे बता रही है कि अगर आपको एक लेटर लिखने की ज़रूरत पड़ेगी ना तो दैट यू नीड आ पेन एंड इंक तो आपको एक पेन की जरूरत पड़ेगी उसके बिना आप कोई भी लेटर नहीं लिख सकते हैं विद एनीथिंग बेटर देन पेन एंड इंक क्या पेन एंड इंक से ज़्यादा बेटर कुछ चीज़ हो सकती है नो इफ़ यू वॉन्टेड टू रीड यू डीड टू बी श्योर टू लुक एट न्यूज पेपर मैगजीन और बुक अब पॉइंट हमको बता रही है कि जब आप बुक पढ़ना चाहते हो तो आप श्योर हो जाइए कि आपको न्यूज पढ़ना है या फिर मैगजीन पढ़ सकते हो और बुक भी पढ़ सकते हो ओके okay बेटा नाव इस इन पेज नंबर से आपको कौन कौन से कीवर्ड्स आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो उसके मीनिंग जान लेते हैं

तो दैट यू डिड डाउन सम ऑयल और ऑन अ पेल पेल मीन्स होता है बेटा मेडिसिन तो आप क्या कर सकते हो या तो कुछ ऑयल की ऑयली चीज आप अवॉइड करिए और या फिर उसके केस में आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा चौक मीन्स अ पेल मेडिसिन इफ़ यू हैड अ कोल्ड आई कैन ओनली सपोज यू डिड यूज़ अंकल चीप फॉर योर नोज और अगर आपको कोल्ड हो जाता है ना कोल्ड मीन्स ठंडा हो जाता है जुकाम जुकाम अगर आपको हो जाता है तो आप अपनी नोज किससे साफ़ करेंगे हैंकल चीप से वेन यू वॉन्टिड टू रेस्ट योर रियली हैड और अगर आप बहुत थक गए हैं ना अपनी डेली लाइफ में काम करते करते तो दैट यू नीड सम रेस्ट फॉर योर हैड एंड बॉडी तो उसके लिए आपको क्या चाहिए लाइक like, क्या चाहिए बेड ओके okay? तो देट यू कैन रेस्ट ऑन योर बेड अदर लाइक अदर फॉक्स यू डिट होप इन टू द बेड फटाफट जाओ और सारे पर्सन कहाँ पे आराम कर लेंगे बेड पर फॉक मीन्स होता है पीपल सेम एज मिलेनियस प्रेजिडेंट या इवन किंग्स चाहे वो मिलेनियस है या प्रेजिडेंट है या इवन किंग्स भी हैं वो अपने एवरी थिंग्स के बिना नहीं रह सकते हैं

Fox. Fox means people. Now, let's start to the exercise. Okay. Now, choose the correct answer to complete the given sentences. Okay. Now, first is according to the speaker, millennials, president, even kings can't get along without dash. Bitter. चाहे वो स्पीकर के अकॉर्डिंग चाहे वो मिलानियल्स है प्रेसिडेंट है या इवन किंग्स भी हैं वो किसके बिना नहीं रह सकते हैं एवरीडे थिंग्स या मिनरल वाटर मिनरल वाटर के बिना तो रहा जा सकता है बट एवरीडे थिंग्स के बिना नहीं रह सकता है ठीक है द राइट आंसर इज एवरीडे थिंग्स नेक्स्ट इज द टू थिंग्स एवरी डू टू स्टे क्लीन टू थिंग्स बताइए जिससे हम क्लीन रह सकते हैं पैन एंड इंक तो हो नहीं सकता क्योंकि बेटा पैन एंड इंक इज ऑलवेज फॉर द राइटिंग टूल्स टू स्टेन सोप एंड सोप एंड वॉटर नंबर थ्री अकॉर्डिंग टू द स्पीकर वट डू यू यूज टू साइन अटर अब एक लेटर साइन करने के लिए वी विल यूज ऑलवेज

ब्रेकफास्ट नाउ क्वेश्चन टू इज व्हाट डू यू यूज व्हेन यू विश टू बी क्लीन हमको जब हमें क्लीन होने का फील करता है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं तो दैट आंसर विल बी वी विल यूज वाटर एंड सोप टू बी क्लीन ओके क्या यूज करेंगे हम क्लीन करने के लिए क्लीन होने के लिए वाटर एंड सोप यूज करेंगे नाउ क्वेश्चन थर्ड इज वट डू यू यूज वेन यू कैच अ कोल्ड जब आपको कोल्ड हो जाए तो आप क्या यूज करते हैं तो दैन आंसर विल बी वी विल यूज हैंकर चीफ वैन वी कैच अ कोल्ड क्या यूज करेंगे हम वी विल यूज हैंकर चीफ नाउ क्वेश्चन फोर इज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर वीर वुड यू रेस्ट हैड जब आप बहुत थक जाते हो तो स्पीकर के अकॉर्डिंग आपको क्या चाहिए तो व्हाट यू रिक्वायरमेंट दैट क्या चाहिए बेटा टू टू रेस्ट आर द बेड तब हम रेस्ट करेंगे बेड पर एंड दिस इज द स्लीपिंग टाइम ओके तो दैट वी वुड लाइक टू रेस्ट आर वेरी हैड इन टू बेड नाउ थिंक एन आंसर द आंसर विल बी इन डिटेल वट अकॉर्डिंग टू यू इज द मैसेज कन्वे बाय द पोम इस पोम के अकॉर्डिंग आपको क्या मैसेज जाता है क्या मैसेज जाता है बेटा अकॉर्डिंग टू मी द मैसेज कन्वे बाय द पोम इज दैट वी हैव टू डू अर स्मॉल वर्क एवरी डे है ना स्मॉल स्मॉल वर्क जो एवरी डे होते हैं चाहे हम वेदर इट इज वी आर मलैनियस प्रेजिडेंट या इवन किंग्स देर एवरी डे थिंग्स इन आर डेली लाइफ ऐसे ही हम भी करते हैं जो हमारे स्मॉल टास्क होते हैं तो इस पोएम से हमारे क्या मैसेज जाता है कि हम अपने एवरी डे थिंग्स कैसे कंप्लीट करते हैं फाइन आई होप बेटा इफ यू विल लाइक दिस पोम, तो देन सब्सक्राइब माई चैनल इंजॉय स्टडी स्टे सेफ स्टे हेल्दी